एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनीता। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं आफ्टर वैक्सीन। तो जब वैक्सीन आप कराते हैं उसके बाद पे जो आपका बॉडी होता है उसके ऊपर रेड बम्स हो जाते हैं या फिर किस तरीके के रैशेस आपको दिखते हैं, वो होते हैं ड्यू टू सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसमें कोई भी मेडिसिन कुछ नहीं करती है। उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो होता है कि आप आइस अप्लाई कर लो, क्योंकि आइस अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद में वो खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है मेडिकेटेड सूदिंग क्रीम्स आती हैं, जो कि डॉक्टर से आप ले सकते हो, रिकमेंड करवा सकते हो उनसे अपनी प्रॉब्लम बता के। तो सूदिंग क्रीम्स होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं बिल्कुल, वो आप आफ्टर जब वो रैशेज वगैरह होते हैं तब आप यूज़ कर सकते हो। उसका कोई मेडिसिन नहीं होता, बिकॉज वो एक सेंसिटिव स्किन का क्या बोलते हैं स्किन का एक प्रभाव बोल सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। जो लोग बाहर जाते हैं सन के एक्सपोज़र में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को सन की वजह से बैक पे या हाथों के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, तो उन लोगों को सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो इट्स अ बॉडी चेंजेस, जो बॉडी के कुछ चेंजेस होते हैं जो कि कुछ स्टिमुलाई मिलने पर होते ही हैं उनकी बॉडी पर। तो ये सेंसिटिव स्किन का एक चेंज है, तो उसको मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं किया जाता है। ये जब भी आप वैक्सीन कराएंगे या जब भी ऐसा कोई रेज़र आप यूज़ करोगे या जब भी आप स्किन के ऊपर कोई केमिकल लगाओगे, तो बिकॉज योर स्किन इज सेंसिटिव तो ये प्रॉब्लम होगी। तो आप दो ही काम कीजिए, या तो आइस अप्लाई कीजिए, अगर आइस से आपको स्वेलिंग हो जाती है या किस तरीके की हीट फील होती है तो आप सूदनिंग क्रीम्स ले सकते हो, बहुत ही मार्केट में मिल जाती है बहुत ही ईजिली, क्योंकि डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट होती है। तो मैं यह नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन आप वो ले सकते हो, वो बहुत ही ईजिली थोड़े ही टाइम में उस चीज़ को सब्साइड कर देती है और आपकी जो बॉडी है उसको बहुत ईज कर देती है, ठीक है। या दैट्स ऑल अबाउट, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, share, subscribe and spread the word. Bye.